हेलो एवरीवन, आई एम रिमिता और आज हम बात करेंगे अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर मूवी डार्क स्काइज की, जो आई थी 2013 में, जिसको डायरेक्ट किया है स्कॉट स्टीवर्ट ने। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.3 और गूगल यूजर ने उसे 89% लाइक किया है। ये मूवी आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी, तो चलिए निकल पड़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। कहानी है अमेरिका में रहने वाली एक फैमिली की, जिसमें है लेसी, डैनियल और उनके दो बच्चे जेसी और सैमी। डैनियल अनएम्प्लॉयड है, जिसकी वजह से घर का सारा बर्डन लेसी पे आ गया है। लेसी रियल स्टेट में एजेंट का काम करती है। जेसी और सैमी के बीच में अच्छा रिलेशन है। वो लोग सोने से पहले रोज वॉकी टॉकी के थ्रू बात करते हैं। एक रात जब लेसी उठती है तो देखती है कि किचन की चीजें जमीन पे पड़ी होती हैं और सामने का डोर खुला होता है। ये बात वो डैनियल को बताती है, लेकिन वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपने जॉब इंटरव्यू के लिए निकल जाता है, लेकिन उसको वो जॉब नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट था। और अब उसको एक लेटर आता है, और ये लेटर मॉर्गेज के पैसे भरने के लिए होता है, जो उसने 90 दिन से नहीं भरे थे। और किचन की चीजें हर रात अपनी जगह से हिल जाने का ये सिलसिला रोज रात को चलने लगता है। एक रात लेसी जब सैमी और डैनियल को चेक करती है कि वो लोग सो रहे हैं कि नहीं, तब वो नीचे आती है और देखती है कि किचन की चीजें अजीब ढंग से रखी गई थी। लेसी को समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब सैमी वहां आता है और लेसी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये किसने किया है। और सैमी बड़ी मासूमियत से बताता है कि वो सैंडमैन ने किया है, जो उसके सपने में आया था, और ये सब उस सैंडमैन ने खुद ही किया है उसके रूम में आने से पहले। इस इंसिडेंट के बाद डैनियल पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाता है, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि कोई आया है। पुलिस का मानना था कि कभी कभी बच्चे ही ऐसी शरारतें करते हैं, या हो सकता है कि उनके बच्चे नींद में ये सब कर रहे हों। ये कह के पुलिस वाला वहां से चला जाता है। एक रात पूरी फैमिली सो रही होती है, जब अलार्म अपने आप जोर जोर से बजने लगता है। तब अलार्म कंपनी की तरफ से एक एम्प्लॉय डैनियल को कॉल करती है, तो डैनियल पूछता है कि आखिर कौन सा सेंसर ट्रिप हुआ था, लेकिन फोन में स्टैटिक वॉइस आने लगती है और फिर कुछ देर के बाद कॉल सही हो जाती है। फिर अलार्म कंपनी की एम्प्लॉय बताती है कि डैनियल के घर के सारे एंट्री पॉइंट पे ब्रीच किया गया है, यानी एक ही टाइम पे घर के सारी एंट्री पॉइंट्स पे किसी के आने का सिग्नल मिला है। क्योंकि डैनियल उस समय अपने घर में मौजूद है, इसलिए उसको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अलार्म कंपनी की एम्प्लॉय कहती है कि शायद सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है और वो कल किसी को सिस्टम चेक करने के लिए भेज देगी। तभी डैनियल और लेसी देखते हैं कि उनके घर की सारी फोटोज फ्रेम से गायब हो गई थी। अगले दिन डैनियल फिर से पुलिस को बुलाता है, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। तब कंपनी की तरफ से एक आदमी अलार्म चेक करने के लिए आता है, जो बताता है कि अलार्म सिस्टम एकदम सही है और उनको नहीं लगता कि किसी ने घर में घुसने की कोशिश की है। अब डैनियल और लेसी अपने बच्चों से पूछते हैं कि क्या वो जानते हैं कि फोटोज फ्रेम से कहाँ गई, क्या वो जानते हैं कि फोटोज किसने निकाल दी। यहाँ लेसी सैमी से उसके सपने के बारे में पूछती है, जिसमें सैमी ने उस सैंडमैन का जिक्र किया था। तब सैमी बताता है कि सैंडमैन ने उसे कुछ भी बताने से मना किया है। ये बात डैनियल सुन के बच्चों के रूम में जाता है और खोई हुई फोटोज ढूंढने लगता है। उसे भी अब लग रहा था कि ये सब बच्चों की शरारत है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। इस बात को लेकर डैनियल और लेसी के बीच में बहस हो जाती है। तब लेसी गौर करती है कि डैनियल अपने कान के पीछे खुजला रहा होता है। जब वो डैनियल से पूछती है तो डैनियल कहता है कि शायद किसी कीड़े ने काट लिया है। अगले दिन डैनियल सैम को लेके पार्क जाता है, जब उसके पड़ोसी सैम की हालत के बारे में पूछते हैं, लेकिन डैनियल ये कह के टाल देता है कि सब ठीक है। इस बीच हम देखते हैं कि सैमी ने टॉयलेट कर दी होती है, जिसको लेके बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तब डैनियल सैमी के पास आता है तो सैमी एकदम ब्लैक आउट था, जैसे कि वो उस दुनिया में है ही नहीं और उसे सामने कोई दिख रहा है। और एक पल बाद वो जोर से चिल्लाता है। ये सारी बात डैनियल लेसी को फोन पे बताता है। इसके बाद लेसी को सैमी की बनी एक ड्राइंग मिलती है, जिसमें उसने एक ब्लैक फिगर के साथ खुद को बनाया होता है। तब लेसी को एक आवाज आती है और वो खिड़की की तरफ जाती है, तो बहुत सारे पक्षी वहां आके एक एक करके मरने लगते हैं। इतने सारे मास बर्ड डेथ के बाद एनवायरमेंट वाले उनके घर आते हैं और जांच करते हैं और कहते हैं कि हम इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको कॉल करके बता देंगे कि क्या हुआ है। वो लेडी अपना कार्ड देती है और वहां से चली जाती है। घर लौटने के बाद वो लोग सैम से पार्क में हुए इंसिडेंट्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन सैम को कुछ भी याद नहीं होता। रात में जब लेसी उठती है तो उसको सैम के कमरे से आवाज आती है। जब वो जाके देखती है तो उसको एक डार्क फिगर खड़ा हुआ दिखता है। वो तुरंत लाइट ऑन करती है तो वहाँ कोई नहीं होता,
और अब सैमी गायब था। वो लोग सैमी को ढूंढने लगते हैं। तब डैनियल को दिखता है कि सैमी घर के बाहर निकल गया है। जब डैनियल उसको बाहर जाके रोकता है तो सैमी को कुछ भी याद नहीं होता और वो पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। लेसी सारी बात डैनियल को बताती है कि उसने सैम के रूम में एक डार्क फिगर खड़ा हुआ देखा था, लेकिन डैनियल का कहना है कि अगर कोई था तो वो गया कहाँ जबकि सारे दरवाजे लॉक थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनियल के कान के पीछे स्क्रैच का निशान और बड़ा हो गया था। इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद डैनियल ने पूरे घर में कैमरे लगा दिए थे। हमें मूवी के एक सीन में दिखाया जाता है कि घर के अंदर कोई आया है, लेकिन उसका सिर्फ फील दिखाया जाता है, उसका अपीयरेंस नहीं दिखाया जाता। लेकिन इस सीन को देख के आप समझ जाएंगे कि किसी को अंदर आते दिखाया गया है। डैनियल रात की रिकॉर्डिंग देख रहा होता है और उसी टेबल पर सो जाता है। सुबह जब डैनियल रिकॉर्डिंग देखता है तो पाता है कि हर कमरे की रिकॉर्डिंग में एक ग्लिच आया है जो एक के बाद एक हर कमरे में दिख रहा था, जैसे कि कोई एनर्जी एक कमरे से दूसरे कमरे में ट्रैवल कर रही हो। लेसी अपने क्लाइंट को घर दिखाने जाती है जहां वो बोलते बोलते अटक जाती है, जैसे कि वो बोलना चाह रही है लेकिन कोई चीज उसे रोक रही है, और वो एकदम से ब्लैक आउट हो जाती है और सामने के शीशे पे अपना सिर मारने लगती है। हम देखते हैं कि लेसी की आंखें अपने रूम में खुलती हैं जहां वो देखती है कि उसके सिर पे चोट आई है। तब उसके ऑफिस से पीट का कॉल आता है और वो उसको बताता है कि क्लाइंट ने बताया कि साइट पे वो ब्लैक आउट हो गई थी। क्लाइंट पुलिस को बुलाने वाले थे लेकिन लेसी घर से बाहर चली गई थी। पीट उसको काम से कुछ दिन आराम करने के लिए कहता है और फोन काट देता है। तब लेसी अपना मोबाइल चेक करती है और उसको पता लगता है कि 3 बज गए हैं, यानी वो उस इंसिडेंट के बाद से सो रही थी। वो कोई सपना नहीं था जो वो देख रही थी। लेकिन इस सीन को ऐसा फिल्माया गया है कि जब आप इसको पहली बार देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि शायद लेसी ने कोई सपना देखा है। इसके बाद लेसी को इन्वायरमेंट वालों की तरफ से कॉल आता है। कॉल पे वही लेडी थी जो उनके घर आई थी, जो उसको बताती है कि उन लोगों ने मास बर्ड डेथ को इन्वेस्टिगेट किया और पाया कि बर्ड्स के 3 माइग्रेशन ग्रुप जो कि 3 अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, वो सारे लेसी के घर आके मरे, जैसे कोई चीज उन्हें लेसी के घर की तरफ खींच रही थी। ये बात सुन के लेसी बहुत परेशान हो जाती है और अब वो नेट पे सर्च करती है और नेट पे लेसी को यू हैव बीन वॉच्ड नाम से एक आर्टिकल मिलता है जिसमें UFO और एलियंस के बारे में बताया होता है कि कैसे एलियंस ने कुछ लोगों को किडनैप किया। लेसी को उसी आर्टिकल में सैमी जैसी ही एक ड्राइंग मिलती है। इस बीच हम देखते हैं कि डैनियल को एक न्यू जॉब मिल जाता है। एक रात लेसी देखती है कि डैनियल अपने बेड पे नहीं होता है। वो पाती है कि डैनियल घर के बाहर खड़ा होता है। जब वो जाके देखती है तो डैनियल अपने होश में नहीं था, मानो सामने वो किसी को खड़ा देख रहा था, और एकदम से उसकी नाक से खून आने लगता है और वो घर के अंदर चला जाता है और पूछता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। इसके बाद वो लोग कैमरा रिकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें दिखता है कि मानो डैनियल को कोई कंट्रोल कर रहा था, लेकिन डैनियल को कुछ भी याद नहीं था। तब लेसी उसको वो बात बताती है जो उसको नेट पे पता लगी थी। उसको कुछ आर्टिकल मिले थे जिसमें मास बर्ड डेथ का रीजन बताया गया था। अर्थ के ज्योमेट्रिक फील्ड में किसी चीज के आ जाने की वजह बताया गया था, जिसकी वजह से बर्ड आके मरी थी। दूसरे आर्टिकल में बताया गया था कि हो सकता है गवर्नमेंट कोई वेपन टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रही है, और अब वो तीसरे आर्टिकल के बारे में बताती है कि ये काम एलियंस का है। लेकिन डैनियल को ये मजाक लगता है और उसको लगता है कि लेसी पागल हो गई है। तब लेसी उसको बताती है कि दूसरे लोगों ने भी सेम एक्सपीरियंस किया है, उनके घर में भी मास बर्ड्स डेथ हुई हैं। अब वो डैनियल को वो ड्राइंग दिखाती है जो उसको नेट पे मिली थी, जो 5 साल के बच्चे ने बनाई थी उसके गायब होने से पहले। और अब वो सैमी की ड्राइंग दिखाती है जो एकदम नेट पे मिली ड्राइंग जैसी थी, लेकिन डैनियल को लगता है कि सैमी ने नेट से देख के कॉपी किया होगा, और इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हो जाती है। एक दिन सैमी के पड़ोसी उसको पूल ले जाते हैं, लेकिन सैमी पूल में जाना नहीं चाहता। जब उसकी नेबर उसकी टी शर्ट उठाती है तो देखती है कि उसके शरीर पे काले निशान हैं। ये देख के वो बहुत घबरा जाती है। उधर जैसी अपने दोस्तों के साथ जंगल में गया होता है, जहाँ एक जगह उसको अजीब सी ब्लैंक आवाज सुनाई देती है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, जिसके बाद जैसी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब डॉक्टर बताते हैं कि उसके दिमाग में कोई गड़बड़ी नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है, लेकिन उसके शरीर पे कई सिंबल बने पाए गए हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स को कुछ नहीं पता कि वो कैसे बने। जिसके बाद डैनियल की पड़ोसी सैमी को लेके आती है। तब लेसी और डैनियल को पता लगता है कि सैमी के शरीर पे भी निशान है। एक रात डैनियल को सपना आता है जिसमें सैमी की आंखें नहीं होती हैं और वो पूछता है कि डैड क्या हुआ। तब डैनियल की नींद खुल जाती है और वो कैमरा रिकॉर्डिंग देखता है। डैनियल रात के फुटेज देखता है फ्रेम बाय फ्रेम, जिसमें उसको 3 डार्क फिगर बेड के पास खड़े दिखते हैं जब सब सो रहे थे। अब डैनियल को यकीन हो गया था कि ये बच्चों की शरारत नहीं बल्कि एलियंस हैं। वो लोग एक एक्सपर्ट को रीच आउट करते हैं जिसका नाम था एडविन पोलार्ड। डैनियल और लेसी उसके घर जाते हैं।
वो बताता है कि एलियंस को वो लोग द ग्रेस कहते हैं। तीन तरह के एलियंस को जाना जाता है जो कि हैं द ग्रेस, इंसेक्टॉइड्स और रेप्टेलियन। 10 में से 9 लोगों ने ये दावा किया है कि उन लोगों ने द ग्रेस को देखा है। पोलार्ड बताता है कि ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले वो पहली फैमिली नहीं है, उनसे पहले भी कई फैमिलीज ने ऐसा फील किया है। अब लेसी के मन में एक सवाल आता है कि आखिर एलियंस उनमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है, जिस पे पोलार्ड बताता है कि वो ह्यूमंस को स्टडी करना चाहते हैं, वो उनपे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वो आपको आपके बुरे सपने में ले जाते हैं, आपको वो चीजें महसूस करवाते हैं जो वहाँ नहीं है। पोलार्ड कहता है कि दरअसल स्क्रैच का मार्क एक इम्प्लांट है जिससे एलियंस हमें कंट्रोल करते हैं, और वैसा ही निशान डैनियल के कान पे था, जिसको देख के पोलार्ड बताता है कि उसको निकाला नहीं जा सकता। उसने भी निकालने की कोशिश की थी लेकिन फेल रहा। वो उन्हें वॉर्न करता है और कहता है कि ये एलियंस यानी द ग्रेस जिससे सबसे पहले इंटरेस्ट शो करते हैं या जिससे सबसे पहले कॉन्टैक्ट करते हैं, वो उसे ही किडनैप करके ले जाते हैं। इसीलिए उन्हें सैम के लिए प्रोटेक्टिव रहना होगा, क्योंकि एलियंस ने सैमी को चुना है क्योंकि सबसे पहले उसी ने एलियन से बात की थी। पोलार्ड बताता है कि कभी कभी किडनैप किए हुए लोग वापस तो आते हैं, लेकिन ऐसा हर बार हो ये जरूरी नहीं है। डैनियल की फैमिली को अब एक साथ रहना होगा ताकि वो अपनी फैमिली और सैम को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनियल ने एक शॉर्ट गन खरीदी है और लेसी ने एक गार्ड डॉग खरीदा है ताकि वो घर की रखवाली कर सके और अगर कोई आए तो उसको पता लग जाए। अब वो लोग घर की हर खिड़की को सील करते हैं, लेकिन जैसे ये सब नहीं मानता और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। जब उसकी दोस्त उससे कहती है कि पहले उसको भी यही लगता था कि डैनियल अजीब है, लेकिन अब उसको ऐसा नहीं लगता। उसको नहीं लगता कि डैनियल गलत है, वो सिर्फ उन लोगों को सेफ रखना चाहता है। जैसी को यकीन हो जाता है कि वो अकेला नहीं है जो अपने पापा को गलत समझ रहा था। जैसी घर वापस आता है और डैनियल से कहता है कि वो उन पर यकीन करता है। वो लोग रात को डिनर कर रहे होते हैं जहाँ लेसी और डैनियल अपने बच्चों की अच्छी मेमोरीज को याद करते हैं और हंसते हैं, लेकिन अचानक लाइट जलने बुझने लगती है और कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। डैनियल अपने बच्चों को लेसी के साथ ऊपर जाने को कहता है। लेसी बच्चों को रूम में रहने के लिए कहती है। तब लेसी सुनती है कि बेडरूम में टीवी अपने आप ऑन हो गया है। जब वो देखने जाती है तो हम देखते हैं कि उसके पीछे एक डार्क फिगर खड़ा होता है। लेसी रूम में अंदर जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे वो उस रूम में फंस जाती है। डैनियल सैमी और जेसी को अपने कमरे में लेके जाता है जहाँ लेसी बंद थी। अब वो लोग बेड पे बैठ जाते हैं और टीवी फ्लिकर होने लगता है और पहली बार एलियंस अपनी मौजूदगी दिखाते हैं। वो लोग वहीं रूम में खड़े होते हैं। डैनियल और उसकी फैमिली एलियंस को देख लेते हैं। एलियंस जेसी को विजन दिखाते हैं जिसमें वो देखता है कि उसके डैड ने उसकी माँ को मार डाला है और उसकी माँ की डेड बॉडी खून से लिपटी वहीं पड़ी है, जिसके बाद उसके डैड ने सुसाइड कर लिया है। वो अपने भाई सैमी के पीछे जाता है जब जेसी का विजन टूट जाता है। हम देखते हैं कि एलियंस उसके सामने खड़े होते हैं और फिर एक फ्लैश लाइट के साथ जेसी को अपने साथ ले जाते हैं। कहानी 3 महीने बाद आगे आती है। अब डैनियल और लेसी दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पोलार्ड जेसी के गायब होने की खबर न्यूज़पेपर आर्टिकल से कट करके बाकी गायब हुए लोगों के साथ लगा देता है। लेसी जब जेसी के बॉक्स को संभाल के रख रही होती है तो उसको एक पिक्चर मिलती है जो जेसी ने बचपन में बनाई थी, जिसमें एलियंस जेसी को घेर के खड़े होते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा राज खुलता है जब लेसी को यह रियलाइज होता है कि एलियंस ने जेसी में अपना इंटरेस्ट पहले दिखाया था और उसको ही चुना था, ना कि सैमी को। तब वॉकी टॉकी पे जेसी की बेहोश होने वाली आवाज़ आती है, जिसमें जेसी एक दर्द भरी आवाज़ में सैमी का नाम ले रहा था और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इस मूवी की डिटेल्स बता दूँ जो इस मूवी को देखने के बाद मैंने नोटिस की। उस किचन वाले सीन में जब लेसी को किचन की चीज़ें अजीब ढंग से रखी दिखाई गई थी तो रोशनी से ऊपर एक सिंबल बन रहा था। अगर आप ध्यान से देखें तो वो सिंबल एक UFO की तरह ही लगता है। हो सकता है डायरेक्टर ने ये छोटी सी डिटेल दर्शाई हो ये दिखाने के लिए कि इस मूवी का टॉपिक क्या है। एक सीन में हम देखते हैं कि सैमी एक बुक पढ़ रहा था और अगर आप उस बुक की लाइन्स देखें तो उसमें लिखा था शेडोज, और इस मूवी में एलियंस को द ग्रेस कहा गया है, यानी कि एक तरह की परछाई, तो ये भी एक डिटेल है। जैसी कि शरीर पे जो निशान दिखाए गए हैं वो भी UFO की तरह दिखते हैं। शायद आप लोगों को पता होगा जो न्यूज़ में भी बहुत आया था कि क्रॉप फील्ड पे भी ऐसे ही निशान पाए गए हैं। एक सीन में जेसी ने सैमी से कहा था कि आइस टेस्ट द बेस्ट, और जब डैनियल ने सैमी का सपना देखा था तो सैमी की आंखें नहीं होती हैं। ये दोनों सीन कनेक्टेड है जिसमें बताया गया है कि एलियंस को आइस चाहिए होती हैं। दोस्तों मैंने डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री में ऐसा ही एक केस देखा था जहाँ एक आदमी ने दावा किया था कि उसको एलियंस ने किडनैप किया था,
और उसको स्पेसशिप में ले जाके उस पे एक्सपेरिमेंट किए थे। अगर हम उस आदमी के दोस्तों के अकाउंट्स पे नजर डालें तो उन लोगों ने भी यही बताया कि उस रात वो लोग जंगल में थे जब उनको एक तेज रोशनी दिखी और उनका दोस्त एकदम से उस रोशनी में गायब हो गया, जिसके बाद उस हिस्से को इन्वेस्टिगेट किया लेकिन कुछ नहीं मिला। उस आदमी के दोस्तों का लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ और उनका कोई भी दोस्त झूठ बोलते नहीं पाया गया, यानी वो लोग सच बोल रहे थे। ये केस न्यूज में भी काफी आया था और इसके बाद वो लोग उस एरिया में वापस कभी नहीं गए। दोस्तों, एलियंस को देखने के कई दावे किए गए हैं और इन पे कई फेमस मूवीज भी बनी हैं। लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे नहीं पता कि एलियंस होते भी हैं या नहीं। हो सकता है कि हम ब्रह्मांड में एकदम अकेले हों और हो सकता है कि हम अकेले नहीं भी हों, हु नोस। दोस्तों, आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी और इस मूवी को देख के आपको कभी नहीं लगेगा कि कोई भी सीन अनवांटेड है और जबरदस्ती मूवी में डाल दिया गया है। दोस्तों, मैं आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट करती हूँ और अपकमिंग वीडियो की इन्फॉर्मेशन भी मैं इंस्टाग्राम पे देती हूँ। और अगर आप इस मूवी को देखने का लिंक चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि सितंबर में आपको एक सरप्राइज मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो पोस्ट पढ़ ली होगी। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है और आप मुझे बताइए कि आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और जो सरप्राइज मैंने आपको दिया और आपके लिए आगे प्लान किया है वो आपको कैसा लगा, उसका फर्स्ट लुक आपको कैसा लगा जैसा कि मैंने उसका पोस्टर डाल दिया है। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन मूवी डार्क स्काइज को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और आपको पता है, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।